उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 2024-25 के प्लेयर रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म थे उसकी लास्ट डेट 22 मार्च 2024 थी, जो कि अब क्लोज हो चुकी है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे registration.upca.tv पे, तो आपको दिखेगा ये कि रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। इट मीन्स कि अब अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कुछ प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है जो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार कार्ड लगा दिया है, उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं, उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार कार्ड लगा दिया है, तो अब उनको क्या करना चाहिए। या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, और उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगा। अगर वो करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर वो बैन होने से बच सकते हैं। और हाँ, ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, स्लिप भी निकाली, लेकिन पैसा नहीं जमा किया है। तो क्या पैसा जमा करने की भी लास्ट डेट ख़त्म हो गई है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ हम बताएं कि अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, तो मतलब कि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आगे UPCA का मूड हो तो फिर से खोल दें। अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए तभी करेगा, नहीं तो इस साल अब आप UPCL के से खेलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से खेलना चाहते हैं, तो आपके लिए एक कहते हैं अपॉर्चुनिटी बंद हो गई है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। तो उसके साथ साथ अब जो मेन मैटर ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार कार्ड लगा दिया है, आधार की फ़ोटो डाल दी है, उनका भी जैसे क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो डाल देगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट नहीं एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन इन फ्यूचर उनको दिक्कत हो सकती है। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन चाहे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने गलत दिया है वो संशोधन हो सकता है। तो एक बार अपने आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट करके अपने आधार कार्ड को संशोधन करा लें, अगर लगा हो तो उसको संशोधन करा सकते हैं। अगर आधार कार्ड लगाया है, आपने गलती से गलत बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पास आपके पास पावर है, वो कर सकता है। अब ये भी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं करती, प्लेयर से उस तरीके से कॉपरेट नहीं करती, ये आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये रूल है, आप कर सकते हैं। और अभी भी आप फीस जमा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्लोज हो चुकी है, लेकिन फीस जमा करने की नहीं, फिर फीस जमा तब कर पाएंगे जब आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एग्री होगी। तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एग्री करती है तो आप जमा कर सकते हैं, और एग्री करना चाहिए। फीस जमा करने की लास्ट डेट अभी नहीं ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, अब कोई भी आप हाथ पाँव मार लें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जितने भी चेंजेस करना चाहते हैं सारी चेंजेस हो जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू। तो एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा, आपकी डेटाबेस में अभी तो फीड है लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। जब आपका फाइनल अप्रूवल तब होगा जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फाइनल अप्रूवल आपका भेजेगा, ठीक है। तो अभी आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगाया तो आपके पास 10-15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। कोशिश करके अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में अगर कुछ कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने लगाया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से आप उसको मेहनत करके बनवा के और उसको करेक्ट करा लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि हमने कांटेक्ट किया है कुछ ऐसे लोगों से जो UPCA से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं संशोधन की, लेकिन हाँ, अगर इस साल आपने ट्रायल दे दिया तब आप डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं करा पाएंगे। अभी ट्रायल्स में एक महीने का टाइम है, ठीक है। अगर आप 19 के हो, 16 के हो, तो एक महीने का, हो सकता है कि IPL के बाद ही ट्रायल्स स्टार्ट हो, ठीक है। अगर IPL के बाद ट्रायल्स स्टार्ट होंगे तब तो आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। तो बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाना चाहेंगे वो बन जाएगा, आपके पास टाइम है। 14 में और ज़्यादा टाइम है, 16 में और ज़्यादा टाइम है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो चालान डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन करके पैसा भी जमा कर चुके हैं या पैसा जमा करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट या गलत लगा दिए हैं। तो अभी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और आप संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी और प्लेयर्स जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है, ऐसे मेरे भी एकेडमी के बहुत से प्लेयर हैं जो डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए, अब आपको सारी चीज़ें पता ही चल गया, प्रोसीजर भी पता चल गया है, तो प्लीज़ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। और हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है, अभी ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि UPCA 2-3 दिन या 1 हफ्ते के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोले, उस समय भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे इससे पहले भी एक बार हुआ था कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने कुछ दिन के लिए खोला था 2020 में जब ऑनलाइन हो रहा था। अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप कोशिश कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए दे दीजिए 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, या आपके आधार में भी जो संशोधन होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी
संशोधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी संशोधन अभी पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं, अभी अब करना चाहोगे रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया, चालान डाउनलोड कर लिया आप, तो स्लिप ले जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, चालान डाउनलोड नहीं किया गया है, तब भी अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो चार प्लेयर मैंने भी ऐसे थे जिनका मैंने थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कर लिया था, सिर्फ OTP और आधार कार्ड डाल के, लेकिन क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए मैंने आगे की प्रोसीजर नहीं किया था, तो उनका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो चालान डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो अब अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं। हाँ, हो सकता है कि 10-15 दिन बाद या एक महीने बाद UPCA फिर से 2-3 दिन या एक हफ्ते के लिए खोले, तब तक आपको वेट करना है। लेकिन मैं कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकता हूँ कि खुलेगा ही जरूर, लेकिन उम्मीद है कि जरूर एक हफ्ते के लिए एक बार और खुलेगा। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट करा लें, और कोई और हेल्प की जरूरत हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप अपने कमेंट पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े, जरूर मैसेज करें, इंस्टा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें।